हेलो, आई एम उमा अरोड़ा फ्रॉम justtutors.com और आज हम पढ़ेंगे ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ के बारे में. सो जो दो मेजर टॉपिक्स हैं जो कि आज हम कवर करेंगे लेसन में, वो होगा मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल एंड ऑलिट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल. सो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आपके लिए कुछ वार्म अप क्वेश्चंस हैं. यहाँ पर आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं एंड यू कैन ट्राई दीज क्वेश्चंस. ऑलराइट, सो पैट योर बैग. अगर आपके दोनों आंसर्स करेक्ट हैं, सो इंटरसेक्टिंग लाइंस वो लाइंस होती हैं जो किसी एक पॉइंट पे जाके मिलती हैं. रेक्टेंगल की एग्जांपल हुआ ये, जहाँ पे एक जो बेसिकली लेंथ होगी वो विड्थ से ज़्यादा होगी एंड स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती हैं, यानी कि सेम लेंथ की होती है. आगे बढ़ते हैं और अब पढ़ते हैं मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल के बारे में. सो मीडियन जो होता है वो लाइन होती है, अगर आप किसी भी पॉइंट की बात करें, जैसे अगर हम वर्टेक्स ए की बात करें, आपने वर्टेक्स ए को चूज़ किया और वहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की अपोजिट साइड की तरफ, और अगर वो आपकी स्ट्रेट लाइन जो है वो जो अपोजिट सेगमेंट है उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, सो उसको हम बोलेंगे मीडियन ऑफ दिस ट्राइंगल. सो हमने पॉइंट ए से एक लाइन ड्रॉ की टू द लाइन सेगमेंट बी सी और जो मिड पॉइंट आया वो था डी. सो इसने इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, यानी बी डी वॉज इक्वल टू डी सी. सो इसलिए ए डी जो होगा वो इस ट्राइंगल का मीडियन होगा बी सी बेस पर. हम किसी भी वर्टेक्स को चूज़ कर सकते हैं मीडियन ड्रॉ करने के लिए. अगर बात करें वर्टेक्स बी की, सो यहाँ से मीडियन बनाने के लिए हमें देखना होगा कि इसकी अपोजिट साइड कौन सी है. सो अगर हम देखें तो ये पॉइंट हमारा बी और इसकी अपोजिट साइड हुई ए सी. सो एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो ए सी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी. सो हमने पॉइंट बी से एक लाइन ड्रॉ की जो ए सी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी. इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं ई. सो बी ई मीडियन है ऑन द बेस ए सी. ऐसे ही अगर बात करें थर्ड पॉइंट की जो कि सी है, सो सी से हम देखेंगे कि इसकी अपोजिट लाइन सेगमेंट कौन सी है. पॉइंट सी से अपोजिट लाइन सेगमेंट्स जो हुई ए बी. सो हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे फ्रॉम द वर्टेक्स सी जो ए बी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी. सो यहाँ पर जो सी एफ है वो लाइन ए बी पर, बेसिकली बेस ए बी पर मीडियन हमने ड्रॉ किया है. जिन जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स होता है इन तीनों मीडियंस का, उसको हम बोलते हैं सेंट्रोइड. सो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये, इसको हम नाम दे देते हैं ओ. सो जो पॉइंट ओ है वो यहाँ पे सेंट्रोइड कहलाएगा. सो आगे बढ़ते हैं और अब पढ़ते हैं ऑल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल के बारे में. सो अगर हमें ट्राइंगल में ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करनी है तो हम किसी भी वर्टेक्स को चूज़ करके ड्रॉ कर सकते हैं. बेसिकली जैसे हमने अगर बात करते हैं पॉइंट ए की, हमें पॉइंट ए से एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है अपोजिट साइड की तरफ. जैसे हमने पॉइंट ए से यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, सो ये इस ट्राइंगल का बी सी बेस पर ऑल्टीट्यूड कहलाएगा. अगर हम बात करें वर्टेक्स सी की, सो अगर हम सी से इसकी अपोजिट साइड जो कि ए बी है वहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे जिसके भी हम करते हैं, सो जो सी ई परपेंडिकुलर है वो होगा ए बी बेस पर, क्योंकि हमने ए बी के ऊपर उसको ड्रॉ किया हुआ है. वैसे ही आप पॉइंट बी को लेकर उसकी जो अपोजिट साइड है यानी कि ए सी, उस पर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं बाय ड्रॉइंग अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द पॉइंट बी. सो जैसा कि आप देख सकते हैं जो लाइन जो बी एफ है वो परपेंडिकुलर है ऑन द बेस ए सी. सो यहाँ आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं. यहाँ पे वीडियो को पॉज कर सकते हैं एंड आप प्लीज़ ये क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं. आफ्टर ट्राइंग द क्वेश्चंस आप अपने आंसर्स यहाँ पर चेक कर सकते हैं एंड यू शुड फील रियली प्राउड अगर आपके सारे आंसर्स करेक्ट हैं. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. फॉर मोर प्लीज़ विजिट justtutors.com.